हिमाचल प्रदेश उपचुनावों की 6 सीटों में हॉट सीट बनी धर्मशाला में आज कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र जग्गी ने अपना नामांकन दिया। इस नामांकन में उनके साथ कांग्रेस के कई शीर्ष नेतृत्व मौजूद थे, चाहे वो आनंद शर्मा हो जो कि कांगड़ा चंबा संसदीय सीट से लोकसभा प्रत्याशी हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हों वो भी यहाँ मौजूद थे। साथ कई अन्य नेता कैबिनेट रैंक रघुवीर सिंह बाली, इनके साथ ही कई विधायकगण भी यहाँ मौजूद थे। इसके उपरांत जब नॉमिनेशन फाइल हुआ उसके बाद क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का, आइए सुनते हैं। देखिए, आज हमने धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से एक ऐसे प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है जो पिछले 35 साल से कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाकर कांग्रेस पार्टी की नीतियों को आगे ला रहे थे। ईमानदार है, शराफत कूट कूट कर भरी है। मेरे से ज़्यादा आप पत्रकार बंधु इनको जानते होंगे, हमारे देवेंद्र जग्गी जी को, और इनके नामांकन में आज हमारे राष्ट्रीय नेता श्री आनंद शर्मा जी जो यहाँ के सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, श्री मुकुल बासनिक जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से हमारे पर्यवेक्षक और हमारे साथ आए हैं, तो इस प्रत्याशी के जीत के लिए हम सब आप लोगों से पत्रकार बंधुओं से भी अनुरोध करते हैं कि ईमानदारी, शराफत, सादगी और पार्टी के प्रति विचारधारा रूप से आज हमने जग्गी जी को आपके सामने लाया है। ये तो 4 तारीख को पता लगेगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। अब भारतीय जनता पार्टी वाले अनुराग ठाकुर जी भविष्यवक्ता हो गए हैं। भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी कितनी सफल होती वो तो जनता हिमाचल की तय करेगी ना। हिमाचल की जनता जब तय करेगी तभी पता लगेगा ना। गलत शब्द बोल रहे हैं। दल बदलना वो होता है कि चुनावों से पहले पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाए, ये तो बिकाऊ है। और ये जो चुनाव है ये बिकाऊ का सरगना है जिसके खिलाफ हमने एक शराफत वाले प्रत्याशी को उठाया। अब बिकाऊ का सरगना जो यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, धर्मशाला की जनता ने उन्हें बैजनाथ से स्वीकार किया। राजनीति में सेवा भाव से आना चाहिए, पर वो राजनीतिक मंडी में बिका है और अपने साथ 5 और विधायकों को भी बेचने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक मंडी में सौदा किया है। जब कोई पार्टी जनता की भावनाओं का सौदा करती है, हिमाचल की देव संस्कृति, हिमाचल के लोग जो देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं, इस चीज़ को पसंद नहीं करती है। और जो बिकाऊ का सरगना है उसने धर्मशाला में आकर क्या क्या किया है ये आपको आने वाले समय में चुनावों से पहले एक एक उनका इतिहास क्या, जो उन्होंने जनता की भावनाओं से खिलवाड़ किया, वो सब चीज़ें इनके सामने रखी जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ से भी इस बिकाऊ सरगना ने इनके अटैची बहुत भारी है आप जानते हैं, और घर भी बहुत बड़ा बनाया है, मुझे लगता है कि कहीं वहाँ पैसे रखने के लिए काफ़ी जगह है, पर ये लोगों की सेवा के लिए नहीं आए हैं, ये धन के लिए आए हैं। तो ऐसे व्यक्ति को धर्मशाला की बुद्धिजीवी जनता सबक सिखाएगी, और हमारे पास जो तथ्य आ रहे हैं वो बड़े ही चौंकाने वाले तथ्य इस क्षेत्र के जो बिकाऊ विधायक के सरगना है उसके बारे में मिले। हीरो की पोटली का भी पता चला, ये आपने ठीक मेरे ध्यान में लाया है। अब सबसे बड़ा जो विक्रेता था वो तो इस क्षेत्र का, विधानसभा क्षेत्र का, जो कांग्रेस पार्टी के हाथ के चुनाव निशान पर चुनकर गया हुआ था, पार्टी को बार बार धोखा दिया। बाय इलेक्शन आया तब धोखा दिया, लोकसभा के चुनाव में आया तब धोखा दिया, और लोकसभा में चुनाव में जो इनका इंचार्ज बने हैं जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के, उनको ज़्यादा पता है कि किस प्रकार बेचारे वो तो घूमने गए हुए थे, उनको बुलाया गया और उनको पिछले लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया जो कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी बने थे। तो ये जो आजकल पहले बोलते नहीं थे, 20 साल में सुना मैंने उनको, बोलना तो सिखाया भी, अभी बोलने तो लगे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जल्दी ही ऐसे लोगों के खिलाफ जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं,
जिन्होंने अपने आप को राजनीतिक मंडी में बेचा है। हम भारतीय जनता पार्टी की इस नीति के खिलाफ जनता की अदालत में जा रहे हैं। हमने जनता से अनुरोध किया, हमारे पास पैसा नहीं है। हमने कहा है लोकतंत्र की ताकत जनबल है। अब 1 जून को हिमाचल की जनता ये तय करेगी, जनबल जीतेगा